असलम डयर स्टूडेंटस क्लास फिफ्थ लेसन नंबर सिक्सटीन है यू थ्री का आपका सेकेंड टॉपिक है ये स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम स्पीड क्या होती है स्पीड इज़ जनरली मेजर इन किलोमीटर्स ये हम मेजर करते हैं किलोमीटर्स में मीन स्पीड होती है कितना कोई तेज़ चल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कार की एक्ज़ाम्पल लेंगे वो कितनी तेज़ चल रही है उसकी स्पीड क्या होती है हम एक्चुअली जनरल में लेते हैं कि किसी गाड़ी की स्पीड तेज़ होती है किसी गाड़ी की स्पीड कम होती है तो उसको हम अगर चलने को बोलेंगे तो उसको हम बोलते हैं स्पीड स्पीड हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो चला उसको हम स्पीड बोलेंगे वो तेज़ दौड़ा उसको हम स्पीड बोलेंगे नहीं स्पीड अगर हम देखेंगे स्पीड इज़ द डिस्टेंस ये एक डिस्टेंस होती है जो ट्रैवल करते हैं बाई कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है इन ए यूनिट टाइम मीनस किसी टाइम के दरमियान उसको हम बोलते हैं स्पीड फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीड हम डिनोट करते हैं स्पीड हम मेजर करते हैं डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया है किसी ऑब्जेक्ट ने डिवाइड बाय टाइम कितने टाइम तक और स्पीड हम ज़्यादा मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर के किलोमीटर पर आवर में मीनस कितने किलोमीटर पर आवर में मीनस एक आवर में किए हैं कवर किसी ऑब्जेक्ट ने तो अब अगर हम दूसरा यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस किसके बराबर होता है ये आपको याद रखना है स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड एंड टू टाइम और टाइम किसके बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड ये फार्मूला तीन आपको याद रखनी है पहले मैंने बोला स्पीड किसके बराबर होती है जितनी डिस्टेंस इंसान कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है कितने टाइम तक अब डिस्टेंस क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी स्पीड ले ली और उसका मल्टीपल कितने टाइम में ले लिया उसको हम उससे हम डिस्टेंस डिनोट करते हैं टाइम मीनस कितना डिस्टेंस उसने कवर किया और डिवाइड में कितने टाइम में किया उससे हमें टाइम निकलेगा अब पहला ये क्वेश्चन है एक्टिविटी फर्स्ट यहाँ पे है पहला ही क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल जो यहाँ पे टेबल हमें दिया गया है ये कंप्लीट करना है डिस्टेंस दी गई है टाइम दिया गया है स्पीड और डिस्टेंस हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से टाइम हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी से एंड स्पीड हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से ठीक है तो पहला ही क्वेश्चन है डिस्टेंस हमें दी गई है पहले पार्ट में उसके पहले लाइन में डिस्टेंस 120 मीटर है टाइम 20 सेकंड्स है अब हमें स्पीड निकालनी है स्पीड के लिए फार्मूला क्या है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम डिस्टेंस डिड बाई टाइम अगर हम यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस कितनी है वन ट्वेंटी डिवाइड बाई टाइम कितना है ट्वेंटी यहाँ पे हम उसने मीटर लिया तो यहाँ पे सेकंड लिया अगर किलोमीटर लेता यहाँ पर तो यहाँ पर आवर लेता यहाँ पर उसने बताया वन ट्वेंटी मीटर उसने पर ट्वेंटी सेकेंडस में किए कवर तो अगर हम देखेंगे मैंने पहले बोला आपको डिस्टेंस हम कवर करते हैं ज़्यादातर कवर करते हैं हम मीनस किलोमीटर पर आवर में ठीक है तो और मीटर पर सेकंड में भी हम कवर कर सकते हैं ज़्यादा हम एवरेज लेते हैं किलोमीटर पर आवर में ही ठीक है तो अब 120 को डिवाइड करना है किसे ट्वेंटी से वन ट्वेंटी डिवाइड बाई ट्वेंटी तो अगर हम देखेंगे ट्वेंटी इंटू फोर हंड्रेड ट्वेंटी इंटू फाइव वन ट्वेंटी तो स्पीड कितनी होगी इसकी सॉरी ट्वेंटी इंटू सिक्स ट्वेंटी इंटू फाइव हंड्रेड ट्वेंटी इंटू सिक्स वन ट्वेंटी तो स्पीड कितनी होगी सिक्स मीटर पर सेकंड तो सिक्स मीटर उसने एक सेकेंड में कवर किए हैं तो अब दूसरा पार्ट इसी का है फोर हंड्रेड ट्वेंटी डिस्टेंस है इसकी डिस्टेंस इज़ इक्वल टू फोर हंड्रेड ट्वेंटी मीटर टाइम नहीं दिया गया है टाइम हमें निकालना है और स्पीड वहाँ पे है फोर्टीन मीटर पर सेकंड अब हमें टाइम निकालना है टाइम के लिए फार्मूला हमें है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड टाइम के लिए डिस्टेंस कितनी है फोर हंड्रेड ट्वेंटी डिवाइड बाय स्पीड कितनी है फोर्टीन फोर हंड्रेड ट्वेंटी डिवाइड बाई फोर्टी फोरटीन तो टाइम हमें निकला थर्टी तो कितना टाइम लगा उसको थर्टी सेकंड्स क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है तो थर्टी सेकंड्स उसको टाइम लगा होगा फोर हंड्रेड ट्वेंटी मीटर कवर करने में अब स्पीड भी निकाला टाइम भी निकाला अब यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालेंगे थर्ड डिस्टेंस हमें निकालनी है टाइम हमें दिया गया है एट आवर यहाँ पे देखना आवर है और स्पीड हमें दी गई है किलोमीटर में सिक्सटी फाइव किलोमीटर अब डिस्टेंस किसके बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस हमें निकालनी है स्पीड कितनी है एट किलोमीटर एट आवर सॉरी सिक्सटी फाइव इंटू टाइम कितना है एट तो डिस्टेंस हमें निकलेगी कितनी डिस्टेंस उन्होंने कवर किए है सिक्सटी फाइव इंटटी फाइव इंटू एट वो होता है फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी किलोमीटर क्योंकि स्पीड यहाँ किलोमीटर पर आवर दिया गया है तो, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने फाइव हंड्रेड ट्वेंटी किलोमीटर समझाया अब सेम तीन पार्ट्स से इसके ऐसे ही हैं स्पीड डिस्टेंस और टाइम के ही तो अब है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू है फाइंड द स्पीड इन ईच के स्पीड निकालनी है इट हर एक पार्ट में स्पीड निकालें ए ट्रेन कवर्स थ्री हंड्रेड किलोमीटर इन फोर आवर डिस्टेंस कितनी है थ्री हंड्रेड किलोमीटर और टाइम कितना है फोर आवर स्पीड हमें निकालनी है क्वेश्चन नंबर टू ए पार्ट डिस्टेंस इज इक्वलन टू थ्री हंड्रेड किलोमीटर और टाइम इज इक्वलन टू फोर तो अब यहां पे हमें क्या निकालना है स्पीड स्पीड किसके बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम तो डिस्टेंस कितनी है थ्री हंड्रेड डिवाइड बाय टाइम कितना है फोर थ्री हंड्रेड को डिवाइड करना है फोर से 75. तो स्पीड हमें निकली सेवेंटी फाइव किलोमीटर पर आवर मीनस एक घंटे में सेवेंटी फाइव किलोमीटर उसने क्रॉस किए अब बी पार्ट है ए गर्ल वॉकस एट किलोमीटर डिस्टेंस कितनी है एट किलोमीटर इन टू आवर्स टू टाइम कितना है टू आवर तो हमें क्या निकालना है डायरेक्टली स्पीड ऐसे ही निकालनी है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम स्पीड डिस्टेंस कितनी है एट टाइम कितना है टू फोर टू ज़ार फोर वन ज़ार फोर सॉरी टू वन जार टू टू फोर ज़ार एट तो स्पीड क्या निकली इसकी फोर किलोमीटर पर आवर तो फोर किलोमीटर एक आवर में उसने क्रॉस किया अब और दो सेम ऐसे ही है वो देख लेना अगर किसी को नहीं आएंगे मुझे बताना क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन हीच ऑफ अब डिस्टेंस निकालनी है मीनस डिस्टेंस की फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम स्पीड इनटू टाइम तो पहला क्वेश्चन है इसमें पहला पार्ट है ए ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ़ 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड इसकी क्या है 90 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम कितना लिया उसने टाइम एट आवर तो डायरेक्टली हमें 90 इंटू एट करना है डिस्टेंस इज इक्वल टू 90 इंटू एट डिस्टेंस इज इक्वल टू 90 इंटू एट सेवन ट्वेंटी किलोमीटर तो कितना डिस्टेंस क्रॉस किया ट्रेन ने सेवन हंड्रेड ट्वेंटी किलोमीटर सेम ऐसा ही दूसरा पार्ट भी है इसका अब है क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर इफ ए ट्रेन कवर्स 625 ट्वेंटी फाइव किलोमीटर इन सेवन आवर फाइंड इट स्पीड अब यहाँ पर क्या निकालना है स्पीड निकालना है जैसे हमने निकाले पहले पहले क्वेश्चन में स्पीड किसके बराबर था यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड्ड बे टाइम। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमें ए ट्रेन कवर्स 625 किलोमीटर इन सावन आवर्स ट्रेन कवर्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन या ट्रेन कवर्स डिस्टेंस इज़ इक्वल टू कितना 625 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन कितना टाइम लिया उसने सेवन आवर देयर फोर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम डायरेक्टली लिख सकते हैं सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई सेवन सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई सेवन स्पीड इज इक्वल टू एटी नाइन पॉइंट टू एट किलोमीटर पर आवर क्योंकि डिस्टेंस भी किलोमीटर में ही है और सॉरी टाइम भी आवर में ही है तो टाइम टोटल कितना स्पीड निकली होगी एट्टी नाइन पॉइंट टू अब है क्वेश्चन नंबर फाइव इफ ए कार रन एट ए स्पीड ऑफ़ एटी फाइव किलोमीटर पर आवर एक कार दौड़ रही है एटी फाइव किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है मीन एट फाइव किलोमीटर क्रॉस कर रही है हाउ मच टाइम विल इट टेक क्वेश्चन बोल रहा है हमें टाइम निकालना है तो कितना कवर डिस्टेंस करेगी वो 382.5 किलोमीटर तो डिस्टेंस क्या दी गई है यहाँ पे क्वेश्चन हमें है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में पहला ही हम लिखेंगे स्पीड ऑफ ए ट्रेन स्पीड ऑफ ए ट्रेन इक्वल टू एटी फाइव किलोमीटर पर आवर अब टोटल डिस्टेंस कवर डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना 382.5 किलोमीटर देयरफोर टाइम हमें निकालना है कितना टाइम निकल मिलेगा इसको टाइम टेकन टाइम किसके बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड तो डिस्टेंस कितनी है 382.5 हंड्रेड एट्टी टू पॉइंट फाइव डिवाइड बाई स्पीड कितनी है 85 फाइव डायरेक्टली हमें डिवाइड करना है इसको इससे तो 382.5 डिवाइड बाय 85 4.5 टाइम इज इक्वल टू 4.5 पॉइंट आवर आवर ज़रूरी लिखना है ठीक है तो कितना टाइम लगा इसको फोर फोर पॉइंट फाइव आवर अब है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स अब है क्वेश्चन नंबर सिक्स एन एरोप्लान फ्लाइज एट ए स्पीड ऑफ 632 किलोमीटर पर टू किलोमीटर एरोप्लान फ्लाई कर रहा है वो 632 किलोमीटर पर आवर क्रॉस कर रहा है मीनज उसकी स्पीड है एक घंटे में 632 किलोमीटर फॉर टू आवर्स क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच डिस्टेंस द एरोप्ल कवर इन टू पॉइंट आवर 2.5 पॉइंट आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक aeroplane? तो हम यहाँ लिखेंगे इसकी क्या निकालनी है स्पीड तो निकाली दी गई है टाइम भी दिया गया है तो हमें डायरेक्टली डिस्टेंस निकालना है क्वेश्चन नंबर सिक्स डिस्टेंस में इन टू टाइम यहां पर हम लिखेंगे एरोप्लेन फ्लाइज एट ए स्पीड ऑफ सिक्स हंड्रेड थर्टी क्यू किलोमीटर पर आवर दियर फो टाइम टेकन इज ऑल टू टू पॉइंट फाइव आवर दियर फो टोटल डिस्टेंस इज ऑलन टू टोटल डिस्टेंस इज ऑलन टू कितनी है टोटल डिस्टेंस किस के बराबर होती है स्पीड इन टू टाइम स्पीड क्या है सिक्स हंड्रेड थर्टी इन् टू टाइम क्या है टू पॉइंट फाइव तो डिस्टेंस इज़ इक्वलन टू सिक्स हंड्रेड थर्टी इंटू टू पॉइंट फाइव कितना होता है वन फाइव सेवन फाइव वन फाइव सेवन फाइव टोटल डिस्टेंस कितनी कितने, कि, कितने किलोमीटर कवर किए उसने टू पॉइंट फाइव टाइम में वन फाइव सेवन फाइव विथ स्पीड कितनी थी सिक्स हंड्रेड थर्टी अब है क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेवन बोल रहा है हमें ए कार कवर्वर्स ए डिस्टेंस ऑफ 675 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ़ 25 किलोमीटर पर आवर एक घंटे की स्पीड है इसको 25 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कितना कवर किया इसने 675। हंड्रेड सेवन हाउ लॉन्ग journey द जर्नी टेक उसको कितना टाइम लगा तो हमें यहाँ पे टाइम के लिए आ, क्या है एप्लीके फार्मूला टाइम इज कॉल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड तो यहाँ पे हमें फार्मूला ये है और हमें क्वेश्चन बोल रहा है टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कवर कवर्ड बाई अज इक्ल टू सिक्स हंड्रड सेवेंटी फाइव किलोमीटर स्पीड ऑफ अ कॉर स्पीड ऑफ अ कॉर कितनी है ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर आवर दे टोटल टाइम टेकन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना है डिस्टेंस कितनी है 675 डिवाइड बाई 25, तो ये टाइम ताइ, की फार्मूला है तो अगर हम देखेंगे 25 से डिवाइड करेंगे 675 तो वो होता है 27. टाइम इज़ इक्वल टू 27 आवर टोटल आवर कितने लगे इसको 27 आवर कितने डिस्टेंस कवर करने में 675 में अब है क्वेश्चन नंबर अब है क्वेश्चन नंबर एट ए कार ट्रैवल्स 156 किलोमीटर इन फोर आवर्स एक कार ट्रैवल कर रही है 156 किलोमीटर चार घंटे में वाइल ए बस कवर्स 140 किलोमीटर इन थ्री आवर्स बस कर रही है कवर 140 किलोमीटर इन थ्री आवर्स विच इज़ रनिंग फास्टर कौन सा रन तेज़ कर रहा है पहले हम लिखेंगे इनकी स्पीड निकालनी है दोनों की यहाँ पे स्पीड निकालनी है हम हमें दोनों की स्पीड किसके बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम क्वेश्चन नंबर एट तो पहले ए कार ट्रैवल्स कितने किलोमीटर सिक्स हंड्रेड वन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स किलोमीटर टाइम टेकन बाय ए कार फोर आवर देयर फोर स्पीड इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम स्पीड डिस्टेंस कितनी है 156 फिफ्टी सिक्स डिवाइड बाई टाइम कितना है 4 156 फिफ्टी सिक्स डिवाइड बाई फोर वो होता है थर्टी नाइन तो थर्टी नाइन किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है किसकी दिअर फोर स्पीड ऑफ ए कॉर इज इक्वल टू थर्टी नाइन किलोमीटर पर आवर अब हैं बस की ए का बा, बस ट्रवल कितने किलोमीटर वन फोटी किलोमीटर टू टाइम टेकन बाई बस बाई ए बस थ्री आवर दे फोर स्पीड ऑफ ए बस स्पीड ऑफ ए बस कितनी है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम वन फोटी डिवाइड बाई थ्री वन हंड्रेड फोर्टी डिवाइड बाई थ्री वो होता है फोटी सिक्स स्पीड इज इक्वल टू फोटी सिक्स पॉइंट सिक्स किलोमीटर पर आवर देआर फोर स्पीड ऑफ ए बस बस इज इक्वल टू 46.6 किलोमीटर पर आवर अब हमें क्वेश्चन बोल रहे हैं फास्ट कौन पर चल रहा है, है? यहाँ पे 46 सिक्स है बस की और यहाँ पे 39 नाइन है कार की तो फास्ट कौन चल रहा है देयर फोर बस इज रनिंग फास्ट देन कार तो ये थी एक्सरसाइज एक्टिविटी वन चैप्टर नंबर सिक्सटीन <coughs> का ठीक है अब है उसकी एक्टिविटी टू वो कल करेंगे ठीक है थैंक यू